ऐसी माटी पर जिसका जर्रा जर्रा तीर्थस्थल से कम नहीं है। यह है धामूपुर गांव जहां शहीद वीर अब्दुल हमीद पैदा हुए थे। यहीं से उन्होंने सेना में भर्ती होकर के हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को भेजा था और दुश्मन के हौसले को पस्त कर दिया था। हम ऐसे ममतामयी माता जी के साथ हैं, दादी जी के साथ हैं। आज 53वां शहादत दिवस था। आज ब्रिगेडियर से लेकर के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का आना हुआ था। यह बच्चे आज दादी माँ के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, प्यार बांटना चाहते हैं। सारे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, इधर भी लोग खड़े हैं और सुबह से ही आज यहाँ मेला लगा हुआ है। लोगों ने प्यार बांटा है और इस पर्व पर आकर अपने आप को लोगों ने धन्य महसूस किया है। जमील साहब हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि दादी माँ ने हमें प्रशस्ति पत्र दिया है, प्रशंसा पत्र दिया है। यह जुग जुग जिए और भी हम सबको आशीर्वाद दें, प्यार दें। तमाम लोगों को मैंने देखा है, प्रशासनिक अधिकारियों ने पैर छुआ है। मैं अपने आप को मैं कैसे बताऊं उस क्षण को, सुखद क्षण को, जब ब्रिगेडियर जो ब्रिगेड की कमान संभालते हैं बंसल साहब आए हैं और दोनों पैर छू करके उन्होंने आशीर्वाद दिया है। सेना प्रमुख बिपिन रावत साहब का एक पत्र आया है बंद लिफाफे में और उन्होंने शहीद परिवार के प्रति संपूर्ण रूप से विनम्र भाव का प्रकटीकरण करते हुए जवानों को भी भर्ती के लिए यहां कहा है कि हम उनको हताश नहीं करेंगे। ऐसे अमर सिंह साहब आए थे, तमाम और लोग भी आए थे, अभी अफजाल अंसारी साहब आए थे। दादी माँ सुबह से बैठी हुई हैं और मैं इनका प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आप सभी से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप परवरदिगार से प्रार्थना करें कि दादी माँ और भी दिनों तक जिए और हम सभी को आशीर्वाद दें। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गुथा जाऊँ, यह पुष्प की अभिलाषा है। उसने अंत में कहा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम एक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर ने। ऐसे ही पुष्प में दादी माँ को समर्पित करता हूँ और इनका प्रणाम करता हूँ, इनके चरणों की धूल अपने सर माथे पर लगाता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद वीर अब्दुल हमीद अमर रहे, शहीद वीर अब्दुल हमीद अमर रहे। धन्यवाद दोस्तों।